हमारी देश की सर्वोत्तम, जिससे मेरा मानना है, एक आम आदमी का मानना है, देश के वासियों का मानना है कि जो एक शेरनी की तरह हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनका इस शहर से बहुत ही खास नाता रहा है, क्योंकि यहाँ के महाराणा भगवत सिंह जी जो यहाँ के राजा थे वो भी अब स्वर्गलोक सिधार चुके हैं। इंदिरा जी ने महाराणा भगवत सिंह जी को राखी बांधी थी। अच्छा, और एक मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो महाराज हैं उनको, हाँ, जो महाराणा, यहाँ के महाराणा जो राजा थे मेवाड़ के, अच्छा, महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा भगवत सिंह जी को दोनों का भाई बहन का संबंध था, और इंदिरा जी ने महाराणा भगवत सिंह जी को राखी बांधी। तो अपने आप में ही कांग्रेस से ये संबंध आपके सामने जाहिर होता है। और दूसरा, एक इसको अनफॉर्चुनेटली कहा जाएगा, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी शख्सियत थी, एक देश की प्रधानमंत्री थी और एक देश की इतिहास के बहुत ही सर्वोत्तम इतिहास जो महाराणा प्रताप का वंश है उसके वंशज थे, तो दोनों का ही वंश बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। दोनों का फ्यूनरल भी एक ही दिन हुआ है। आप ये देखिए, जब इंदिरा जी की डेथ हुई, उसके डेथ का शायद एक दिन का गैप था, मगर फ्यूनरल दोनों का एक दिन हुआ। मुझे आज भी मेरे स्मृति में वो दिन याद है, क्योंकि इंदिरा जी पूरे ही देश में, पूरे ही घर परिवारों में, पूरे ही देश के लोगों की स्मृति में छाई हुई रही, आज तक हैं एक शेरनी की तरह। जैसे मैं एक क्षत्रिय हूँ, इंदिरा जी को एक क्षत्राणी नहीं कह के, मगर देश की शेरनी हम कह रहे हैं, क्योंकि उनमें एक वो जो एक बला की नेतृत्व क्षमता थी, बला का विचार उनका देश के प्रति जो था, इसलिए वो आपको मैंने बताया कि यहाँ उदयपुर से कांग्रेस का क्या नाता रहा, ये विशेष नाता है। मुझे आज भी मेरे फादर के साथ, क्योंकि मेरे फादर ने उस समय रिसीव करा था स्वर्गीय राजीव जी गांधी को, लेकिन उस समय राजीव गांधी जी प्रथम बार शादी करके सोनिया जी, जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लेके भी उदयपुर पधारे थे, और यहाँ पे महलों में उनका रुकना हुआ था। मेवाड़ क्षेत्र अपने आप में कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1950 से जब चुनाव होने लगे हैं, तब से कांग्रेस पार्टी ने अपनी, जब जब राजस्थान में सरकारें बनाई, इस मेवाड़ क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ पे 30 विधानसभाएं आती थी। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जब जब सरकार में आई, जब जब 27-28 सीटें इस मेवाड़ में कांग्रेस पार्टी को दी। इस कांग्रेस पार्टी को 4 बार का CM उदयपुर से मिले, मोहनलाल जी सुखड़िया, स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखड़िया उदयपुर से ही थे। इस क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति एक, लोग कहते हैं कांग्रेस एक पार्टी है, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, मेरा ऐसा मानना है, जो मैं बुज़ुर्गों में, युवाओं में जब मेरा मूवमेंट होता है, इतिहासकारों के साथ बैठने का मौका मिलता है, पार्टी के वरिष्ठजनों के साथ बैठने का मौका मिलता है, कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस एक सोच है, जो लोगों के अंदर आज भी कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, जो आज एक भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बना दिया पूरे देश में, और जो एक ये जिसे हम सोशल मीडिया के द्वारा, जहाँ कहाँ, शायद मेरा ऐसा मानना है, उस दौर में कांग्रेस पार्टी या हमारे, जिसमें मैं अपने आप को भी मानूंगा, गिनूंगा, कि हम लोग कहीं ना कहीं चूक गए थे। इन्होंने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए लोगों के अंदर एक भावना, जिसे मैं कहूँगा कि एक गलत दिशा की तरफ भावना दे के, और जो मूलभूत सुविधाओं की एक सरकार को की बात होती है, सरकार को मूलभूत सुविधाएं देने का उनका जो एक कार्य है, उससे भटका के और उनको दूसरी तरफ ले जाके, जैसे आज महंगाई की कोई बात करना नहीं चाहता है, आप बेरोज़गारी की जिस ढंग से हद है, हद ही पार हो गई है, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। आज आदिवासी जो दूर दूर इलाकों में पिछड़े हुए थे, जहाँ बिजली नहीं थी, रोडें नहीं थी, कोई रोज़गार नहीं था, आज ये कांग्रेस पार्टी की देन है कि आज आपको आदिवासियों के घर में मोटरसाइकिल, आपको कारें, आपको एजुकेशन की व्यवस्था, रोडें, इसका कारण क्या था? सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी के टाइम में हमने एक नरेगा लाया, जो दिया उसका सबसे ज़्यादा फायदा आदिवासियों को मिला। दूर दराज के गाँवों के अंदर लोगों को रोज़गार मिला, उनको उससे एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति एक भावना जागृत हुई। और आज आप आदिवासी क्षेत्र में जाके देखें, कांग्रेस की वजह से जो वहाँ पे एक बहुत ही शानदार विकास हुआ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज आप किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी और RSS के कार्यकर्ता से मिलेंगे,
वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेता की बात करता हुआ मिला, वो इस देश की बात नहीं करता, वो इस रोजगार की बात नहीं करता, वो आपके अंदर जैसे फ्लॉपी फिट करने की कोशिश करता। आप टीवी उठा के देख लीजिए, आप किसी प्रेस को उठा के देख लीजिए, वो एक नेता के बारे में बात कर रहे हैं, वो इस देश के बारे में बात नहीं कर रहे, वो इस देश की ज़रूरतों के बारे में बात नहीं कर रहे। आप उल्टा राहुल गांधी को उठा के देखिए, राहुल जी जब जब प्रेस के सामने आए, जब जब उन्होंने कोई अपना संवाद करा है, जब जब उन्होंने कोई भाषण दिया है, जब जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई आवाज़ उठाई है, तो उन्होंने देश के बारे में बात करी है, इस देश के युवाओं के बारे में बात करी है, गरीबों के बारे में बात करी है, रोजगार के कैसे दिया जाएगा उसके बारे में बात करी है, चिकित्सा के बारे में बात करी है, जो इस देश की बहुत सख्त जरूरत है। हमेशा और जो बोला वो बाद में हुआ। आप ये राहुल जी ने कोई इसी विपक्ष में रहते हुए मुद्दे नहीं उठाए, जब हम सत्ता में थे तब भी राहुल जी ने एक से एक शानदार मुद्दे उठा के और सरकार को चेता, अपनी सरकार को चेता है। जिस मेवाड़ की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे चिंतन शिविर हो रहा है, इसने तो इस देश को 550 साल पहले कौमी एकता का संदेश दे दिया था। जो कांग्रेस की विचारधारा है वो यहाँ 550 साल पहले लागू थी कि इस देश का मेवाड़ का राजा था महाराणा प्रताप और उनका सेनापति था हकीम खान सूरी। तो इससे बड़ी कौमी एकता कहाँ मिलेगी आपको कि एक मुस्लिम मुस्लिम के खिलाफ लड़ रहा था, हकीम खान सूरी को मुस्लिम कहा जाता, वो अकबर की सेना के खिलाफ महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा था। कांग्रेस पार्टी का आपको एक एक बूथ में इस देश पे, हर बूथ में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मिलेगा, मगर हर बूथ में आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी कुछ हिस्सों में बहुत अपने आप को स्थापित कर चुकी है, मगर कांग्रेस पार्टी आज भी घर घर में स्थापित है, हर बूथ पे। भले आपको वहाँ पे वोट कम मिल जाए, मगर आपका बूथ एजेंट और बूथ वर्कर कांग्रेस का इस देश के हर बूथ पे मौजूद है। ये कांग्रेस पार्टी की ताकत है, ये कांग्रेस पार्टी का सोच और विचार है।